मेचुका अरुणाचल की एक छोटी सी गांव इंडो टिबेटियन बॉर्डर के पास। सुंदर, शांत, अद्भुत लगता है, जैसे एक अलग ही दुनिया है। और अभी ये सोच के अच्छा लगता है कि सुंदर सी गांव और इसके आसपास की हर एक गांव और उस सभी गांव वालों की जिंदगी हमने बहुत करीब से देखा। GoPro डे। आज हम यहाँ से बाइक रेंट किए हैं 2020 के हिसाब से। अभी पहले अपना पेट्रोल डलवाएंगे यहाँ पे, मतलब खाना खाएंगे, फिर उसके बाद पेट्रोल पंप में बाइक में पेट्रोल डलवाएंगे और आज मेचुका का बाइक राइडिंग करेंगे। आसपास में कुछ गांव है, एक पुराना मोनेस्ट्री है, वो सब आज हम बाइक में घूमेंगे। हमारे वहाँ पे जो फ्लैट रेट मिलता है उस हिसाब से हमने सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं है। रीजनल फ्लैट प्राइस है। चना है यहाँ पे और ऑनियंस दिया गया। मेचुका जितनी खूबसूरत है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें उतना ही मेहनत करना पड़ा है। सुबह के 5:30 बजे पासीघाट से एक शेयर कैब लिया मेचुका की नज़दीकी शहर आलो पहुँचने के लिए। सफ़र लंबा था, रास्ता की हालत कुछ जगहों में बहुत सुंदर और कुछ जगहों में बहुत ही खराब। बीच बीच में कुछ ट्राइबल विलेजेस। पासीघाट से आलो पहुंचने के लिए हमें लगभग 6 आवर्स लग गया। आलो से मेचुका के डिस्टेंस है लगभग 8 आवर्स। सो वी हैव टू स्पेंड आवर नाइट इन आलो। आलो में टैक्सी स्टैंड के बगल में ही एक होटल ले लिया रात गुजारने के लिए। होमस्टे से एक रोड मैप मिल गया था, तो उसके हिसाब से हम चलने लगे थे। रास्ता और नजारा दोनों ही बेहद खूबसूरत। लेकिन इस जगह में ये एक्चुअली सिख स्थान है, गुरुद्वारा, लेकिन बौद्धिस्ट फ्लैग लगा हुआ है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये यहाँ से कुछ लकी स्टोन दिखा रहा है। वो मैप निकाल एक बार, देख तो उस मैप में क्या दिया गया है। वो शायद और ऊपर होगा। हाँ, ऊपर क्या है? यहाँ पे तो खत्म हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये शायद नीचे की तरफ है। ये नीचे में है। ये पानी क्या गर्म रहता है क्या? नहीं नहीं, वो ठंडा होगा। गर्म नहीं है। तो इसी को लकी स्टोन कहते हैं। इस जगह को लकी स्टोन क्यों कहते हैं ये तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन ऐसी एक सुंदर सी जगह में आ पाना एक गुड लक ही तो है।
आलोक के होटल में लंच कंप्लीट करके हमने सोचा चलो इस शहर को थोड़ा घूम के देखते हैं। यूं ही पैदल। आलो एक डिस्ट्रिक्ट टाउन है और यहाँ जोर शोर से रोड्स का काम चल रहा है। चारों तरफ सिर्फ धूल और मिट्टी। कुछ देर पैदल चल के क्रिसमस की केक खाने के बाद हम लौट आए होटल में। एक तो होटल में रुकना मुझे पसंद नहीं है, दूसरी तरफ यहाँ और करने का कुछ था भी नहीं। बोलने का जरूरत नहीं है, रेस्ट ऑफ दैट डे बहुत ही बोरिंग बीता। इस रास्ते में आप जितने ऊपर की तरफ जाओगे उतने ही आप इंडो टिबेटियन बॉर्डर जो अभी चाइना ऑक्यूपाइड है उसके पास चले जाते हो। यहाँ से कुछ किलोमीटर और जाने के बाद विदाउट परमिशन हम और ऊपर नहीं जा पाएंगे। इस रास्ते में हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है हनुमान फेस व्यू पॉइंट। सो दिस वन इज हनुमान फेस, इसको हनुमान धाम भी कहते हैं। ये जो दिख रहा है बजरंगबली जी की मुंह जैसा थोड़ा बहुत। तो हम आ चुके हैं लास्ट पॉइंट तक। मैं तो जहाँ जाती हूँ वहाँ ही मुझे हनुमान जी मिल ही जाते हैं ना। हाँ, बहुत प्यार करते हैं ना तुमसे। बहुत बड़ी फैन हूँ ना मैं उसकी। और ये है हनुमान जी की। तुम इधर से देखो, इस ग्रिल से उसका मूर्ति भी दिख रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ है हनुमान जी का मूर्ति। दिस वन ऊपर और कुछ ही दूर में है चाइना बॉर्डर, सॉरी मतलब के वो आर्मी गेट है कुछ ही दूर में। तो लगभग 2 किलोमीटर दूर यहाँ से हमको ऊपर तक जाना पड़ेगा, फिर एक आर्मी गेट आएगा जहाँ से हमें परमिट लेके हम अगर जाना चाहे तो परमिट लेके ऊपर हम जा सकते हैं। और ऊपर से मतलब वहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जाने के बाद हमें स्नो कवर्ड माउंटेन देखने को मिलेगा, स्नो के साथ हम खेल सकते हैं। तो परमिट के लिए 300 रुपये ऐसा कुछ लगता है और आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो इंडो तिबेटियन मतलब अभी तो चाइना ऑक्यूपाइड है बट इंडो तिबेटियन बॉर्डर जिनको देखना है वो इस तरफ सीधा जा सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि नीचे की तरफ ही चले जाएंगे क्योंकि नीचे में एक मोनेस्ट्री है 300 ईयर्स ओल्ड। और ये जो बहता हुआ रिवर जो नीचे की तरफ जा रहा है इसका नाम क्या नाम है इसका, जो भी मैं आपको ऊपर कहीं पर लिख दूंगा। तो ये रिवर नीचे की तरफ बहता हुआ जा रहा है, इस रिवर को क्रॉस करके हम उस साइड में जाएंगे। वहाँ पे एक दार्जिलिंग नाम का एक विलेज है, हमारे वेस्ट बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है दार्जिलिंग, जो बहुत ही पॉपुलर सा एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे सिर्फ ए और ओ का फ़र्क है। तो चलिए लौट चलते हैं। और क्या, और ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं है। अरे है हमारा क्या है, BMW धन्नो। चल अभी मेरे सामने मतलब एक गांव है, हम एक ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे फिर एक गांव है। होम स्टे उन्होंने हमें एक मैप दे दिया था ऐसे हैंड रिटन। तो ये जो लैंडस्केप है दैट इज़ ऑसम। यहाँ नीचे से एक नदी बहता हुआ जा रहा है, जो नदी हमें वहाँ पे लकी स्टोन जो गुरुद्वारा था वहीं पे मिला था, तो वो नदी बहता हुआ अभी नीचे की तरफ जा रहा है। पूरा मेचुका के साइड से ही ये नदी बहता हुआ एकदम नीचे में जाके सियांग रिवर में जाके अटैच होता है, मतलब उस पर जाके गिरता है। ये जगह बहुत बहुत खूबसूरत है, इट्स वंडरफुल। आज एक्चुअली हम मेचुका से स्टार्ट किए थे, पूरा राउंड घूम के इस नदी को क्रॉस करके पूरा राउंड घूम के फिर से मेचुका जाएंगे। तो अभी हमें नदी क्रॉस करके ऊपर में एक मोनेस्ट्री है वो साइड देखने के लिए जाना है। बट द नेचर इज ऑसम ऑसम। इस जगह का ये पहाड़ तुम्हारे तुम जो केजीएल में गए थे उस टाइप का थोड़ा दिख रहा है ना। हाँ, ये थोड़ा वैली जैसा ही है, मेचुका एक्चुअली वैली जैसा है। तो कश्मीर से कश्मीर का लैंडस्केप अलग है बट स्टिल
अलग लैंडस्केप है बट वैली बहुत सुंदर है। आलो सिटी से हमने हमारा दूसरा शेयर कैब इस मेचुका तक पहुंचने के लिए ले लिया। अगेन सुबह के 5:30 बजे। लंबा सफर और कुछ जगहों में रास्ता बहुत ही खराब। 4 आवर्स ट्रैवल करने के बाद एक जगह में गाड़ी रुका कुछ खाने पीने के लिए। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो ऑब्वियसली भूख से हालत खराब हो रहा था। इस जगह से मेचुका पहुंचने के लिए हमें और 4 घंटे लग जाएगा। यहां से आप जितने ऊपर जाओगे टेम्परेचर उतना ही गिरता चला जाएगा और ये हम भी फील कर रहे थे। हम जब तक मेचुका पहुंचे सूरज ढल चुका था और पहली नजर में मेचुका को देख के मुझे एक अलग ही दुनिया लग रहा था। मेचुका एक छोटी सी गांव है तो आने से पहले होमस्टे बुक करके आना, नहीं तो रूम मिलना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हमारी होमस्टे एक छोटी सी क्यूट सी वुडन कॉटेज जैसा था। गर्म पानी से जल्दी से नहा के उस दिन हम निकल गए इस गांव को देखने के लिए और गांव के किसी रेस्टोरेंट में कुछ खाना पीना करने के लिए। मेचुका की कल्चर और यहाँ के लोग बहुत हद तक तिब्बतीयन कल्चर से प्रभावित है। कहा जाता है पुराने जमाने में ये जगह तिब्बतीयन किंगडम का पार्ट हुआ करता था। दर्जु मोनेस्ट्री का रास्ता कौन सा है? वो 300 साल पुराना जो मोनेस्ट्री है ना, वो वाला रास्ता कौन सा है? हाँ हाँ, ये वाला रास्ता नहीं जाएगा ना? हाँ, वो जो ब्रिज हमने क्रॉस करके आए, वो ब्रिज के नीचे से कोई रास्ता चला जाता है क्या? भैया मोनेस्ट्री का रास्ता गुंपा, ये ब्रिज क्रॉस करके, ब्रिज क्रॉस करके ऊपर। ओके थैंक यू। जो भी जगह जाते हैं मोनेस्ट्री होता है तो हम जाते ज़रूर है, लेकिन मैक्स टू मैक्स मोनेस्ट्री क्या होता है, बंद हो रहता है, बंद रहता है। यहाँ पे बहुत ठंडा है भाई, जो हवा आ रहा है ना बर्फ़ का, वो गीले हुए बर्फ़ से। हाँ, पूरा मेचुका से ये मोनेस्ट्री दिखता है। कल से मैं यही सोच रहा था कि कौन सा मोनेस्ट्री है ये। वो तो हवा की वजह से घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, हवा की वजह से घूम रहा है। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ये जगह बहुत ही शांत और बहुत ही ठंडा है। हम शायद इस जगह में और भी ज़्यादा टाइम बिता सकते थे, लेकिन हमें यहाँ से दार्जिलिंग व्यू पॉइंट या
और भी दो तीन जगह है जो हमारे मैप में दिया है हमारे होम स्टे ओनर ने, होस्ट ने, तो वो जगह हम जाना चाहते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा। यहाँ पर सूरज बहुत जल्द ढल जाता है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। पॉइंट तो कमाल का है। हाँ, इट्स वंडरफुल, इतना सुंदर जगह। अगर टाइम होता तो हम यहीं पे रुक के सनसेट अभी हुआ नहीं, अभी टाइम मैं आपको बताता हूँ, अभी हो रहा है 2:38 PM, मतलब इस टाइम में हम लंच करते हैं, और अभी यहाँ पे लग रहा है कि जो वेदर जो है लगभग 5 बज चुका है ऐसा कुछ, और ठंड बहुत है, बहुत ठंड है, जम रहा है हाथ एकदम, बिना ग्लव्स के तो आप यहाँ पे आओ मत, ग्लव्स एंड ईच एंड एवरीथिंग पूरा कवर करके फिर उसके बाद आ जाओ। हाँ हाँ, और गाड़ी चलाने के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा वो। तो अभी हम यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे, दार्जिलिंग नाम का एक गांव है वो देखने के लिए, बट मुझे एट फर्स्ट पता करना पड़ेगा रास्ता कौन सा है। पीछे जो विलेज दिख रहा है जिसका नाम है आई गेस डिचुंगथांग विलेज, आई एम नॉट श्योर, एज पर मैप यही लग रहा है मेरे को। नीचे और दो विलेज है, फिर उसके बाद दार्जिलिंग विलेज मिलेगा। दार्जिलिंग विलेज का नाम मैंने बहुत बार सुना है, इसलिए उस जगह पे जाने का मेरे मतलब बहुत मन है, बट आई डोंट नो, क्योंकि अभी इतना अंधेरा हो चुका है यहाँ पे 3 बजते बजते। कौन सा रास्ता मेचुका की तरफ जा रहा है? मेचुका तरफ जा रहा है ये वाला। और दार्जिलिंग विलेज भी इस तरफ मिलेगा? दार्जिलिंग विलेज आपको ये नीचे में एक ये ब्रिज मिलेगा। हाँ, उसको ये ब्रिज का ये क्रॉस नहीं करना है। अच्छा, डायरेक्ट जाना रास्ता में। अच्छा, ब्रिज को क्रॉस नहीं करना है, डायरेक्ट जाना है, डायरेक्ट जाना रोड है। अच्छा, केक कहाँ पे है? केक नहीं है इसमें, डबल स्टैंड। कुछ देर पहले एकदम हालत खराब हो गया था हमारा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था, सेल्फ ले नहीं रहा था, शायद बैटरी डाउन हो चुका था। तो यहाँ के मतलब कि जगह में लोग तो बहुत कम दिखता है, लेकिन एक शायद होमस्टे बन रहा था, तो उनको जाके हमने कहा कि भैया प्लीज़ देखिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने धक्का लगा के, उनका दो मजदूर था शायद वर्कर्स, एंड जो ओनर था उस होमस्टे या फिर जो बिल्डिंग जो बन रहा था, उन्होंने इसको चला के ऑन करके, गाड़ी को ऑन करके फिर दिया। तो थोड़ा सा मतलब कि टेंशन हो गया था, क्योंकि हम बहुत दूर थे, और हमारे सामने अभी है मेचुका जहाँ पे हमारा होम स्टे है, जहाँ पे हम रुके हैं, और इस साइड में एक विलेज है जो है दार्जिलिंग विलेज। तो मैं गाड़ी को अभी स्टॉप करके अभी देख रहा हूँ कि गाड़ी फिर से ऑन होता है या नहीं। अगर ऑन हो जाएगा तो हम जाएंगे दार्जिलिंग विलेज देख के फिर लौट के आएंगे, अगर नहीं होता है तो यहाँ से जैसे तैसे करके मेचुका निकल जाएंगे। फिर से बाइक स्टार्ट करके हम दार्जिलिंग विलेज की तरफ निकल चुके थे, लेकिन अंधेरा का स्पीड मेरे बाइक की स्पीड से ज़्यादा था। कुछ दूर चल के समझ नहीं आ रहा था कि ये सही रास्ता है या नहीं, तब इस अंकल ने हमें हेल्प किया। ही इज़ फ्रॉम दार्जिलिंग विलेज, और उन्होंने कहा उनके गाड़ी को फॉलो करते हुए आने के लिए। जो भी कहो, इस जगह की लोग इस जगह की ही तरह
शांत और सुंदर है। जब तक हम दार्जिलिंग विलेज पहुंचे, सूरज पूरी तरह से ढल चुका था, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। लेकिन ये छोटी सी गांव मुझे बहुत प्यारा लगा। लौटने के टाइम में भी दोबारा बाइक में प्रॉब्लम हुआ, इस बार गियर का इशू। जैसे तैसे करके इस जंगल के अंदर से निकल के मेचुका के ब्रिज तक पहुंचने के बाद जान में जान आया। ये अद्भुत से ब्रिज क्रॉस करना भी एक दूसरा चैलेंज था। सूरज ढलते ही ठंड इतना बढ़ चुका था कि पूछो मत। ट्रिप खत्म करके एक कॉफी शॉप में एक कप हॉट कॉफी, हाँ जान में जान आया। तो आज मुझे कितना पॉइंट देगी तू बाइक राइडिंग के लिए? कितने में? 100 में। 100 में 110। 110 क्योंकि मैंने तो बहुत ही फर्स्ट टाइम में बहुत ही अच्छे से बाइक थोड़ा खराब था, तो उसमें भी तुमने मुझको सुरक्षित पहुंचा दिया, तो उसके लिए 10 मार्क्स एक्स्ट्रा। मार्क्स नहीं, थोड़ा ज़्यादा पैसा दे देना।